Hey guys, आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम लोग। काम पे जा रहा है कृष्णा हमारा। कृष्णा तू कहाँ जा रहा है पहले बताएगा सबको। डाउनटाउन जा रहा हूँ। गाइस कृष्णा के हाथ में आप देख सकते हैं, कृष्णा हमारा जा रहा है उबर करने, उबर ईट्स करने। तो कृष्णा आज सबको खाना खिलाएगा और उसके बाद इसको अच्छी अच्छी टिप देना सारे लोग। मैं जा रहा हूँ वही पुराना काम ढूंढने। और अभी मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ बैंक में अपना कार्ड बनवाया था, तो उन्होंने मेरे को बहुत ही बेकार सा कार्ड दे रखा है, लाइक क्लाइंट कार्ड दे रखा है, वो कहीं नहीं चलता है। तो मेरे को डेबिट कार्ड चाहिए और एक क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने कहाँ जाना है कृष्णा? गाइस आज हैलोवीन है, तो हमने आज कुछ स्पेशल बनना है। तो हम तैयार होके फिर रात को बहुत मस्त, फिर कोई मर गया पापड़ खाओगे? गाइस कृष्णा आम पापड़ लेकर आया है। आम पापड़ अच्छा हो रहा है गाइस। कौन सी बर्गी? बहुत चूतिया था। चलो देखना फिर आज हम लोग क्या बनते हैं। चहल भी हमें वहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अपना काम वाम निपटा लेते हैं आज का। बस कर कितना आम पापड़ खाएगा। गाइस बैंक का काम तो निपट गया है। मेरा डेबिट कार्ड उसी कार्ड के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं था ऐसा। तो यहाँ पे बैंक है, बताओ। एक घंटे से इंतजार कर रहे हैं बस का, बस ही नहीं आई अभी तक। वो सामने खड़ी है रेड लाइट पे। रेड लाइट पे भी तो एक घंटे से खड़ी है। गाइस गरीबों को सीट मिल गई है ट्रेन में बैठने के लिए फाइनली। जगह ही नहीं थी आज, मुंह मीठा हो जाए फिर आम पापड़ खाने लगे। मैं कह रहा कृष्णा तू हमेशा, तेरी शक्ल ऐसा दिखता है कि तेरी फटी हुई है बहुत ज़्यादा, तू डरता क्यों है इतना? गाइज मैंने जैसे ये बताया था, वो कार्ड होता है ना एक बिलो 18 वाला, वो यूज़ करते हैं हम दोनों। थोड़ा पुलिस से बच के रहना पड़ता है। मैं हूँ छोटा 18 से, ये तो 25 साल का है। हम लोग शांति शांति से ऐसे भागते हैं यहाँ से ताकि $200 का फाइन ना पड़ जाए। कृष्णा और मैं पहुँच गए हैं ग्रैनविल। अभी हम लोग रात में यहीं आएंगे तैयार व्यार होके। अभी चूहा देखा हमने बहुत बड़ा था, मैं तुमको दिखा नहीं पाया, पता नहीं कहाँ गया चूहा हो। तो कृष्णा तुझे कैसा सा फील हो रहा है? कोई जीप फील हो रहा है, कोई शॉर्टी नहीं, आज ऑर्डर आएंगे। कृष्णा तुझे कुछ दिखाऊं? दिखाओ सामने देख। कृष्णा इनको देख रहा, कृष्णा की ब्यूटीज जा रही है सामने। कृष्णा माहौल कैसा लग रहा है तेरे को? गाइस माहौल में मजा आ गया। लाइक आज लोग बिल्कुल बनठन के घूम रहे हैं, कोई जॉन विक बना हुआ है, कोई मुर्गा बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, और हम लोग हम चूतिया बने हुए हैं। गाइस ड्रैकुला आ रहा है। गाइस मैं डर गया। माहौल चेक करो, देखो लोग कैसे कैसे बन के घूम रहे हैं। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन भी घूम रहे हैं गाइस। गाइस ये देखो छोटा सा क्यूट सा बेबी आ गया। गाइस माहौल चेक करो एक बार, यहाँ पे लोगों को देखो कैसे सुंदर सुंदर। गाइस गाइस ड्रैकुला गाइस गाइस भूत गाइस रज्जी आ गया। गाइस रज्जी अपने दोस्त के साथ घूम रहा है। गाइस कोई दिखे ना दिखे, रज्जी हर जगह दिख जाता है, पता नहीं रज्जी कहाँ कहीं भी पहुंच जाता है। रज्जी ये क्या है? गाइस ने तो मेरे को डरा दिया सारे लोग। ये क्या है गाइस? सब लोग गाइस घर से बाहर आ गए, मेरे को लग नहीं रहा आज की उबर। गाइस सब लोग तो बाहर खाना खाने आए हैं आज, उबर ईट्स की वही मंगाएगा मेरे को नहीं लगता। कृष्णा तेरा आज मेरे को लग रहा है वेस्ट होता है। गाइस मैंने अभी अभी एक सूअर देखा है यहाँ पे। गाइस ड्रैगन आ गया, ड्रैगन टेल्स, ड्रैगन टेल्स। गाइस बंदर, गाइस सींगो वाला सूअर। गाइस रज्जी फिर आ गया, एक से बढ़ के एक है यहाँ पे लोग। ये देखो गाइस छोटा सा सिम्बा। आज बहुत सारे रज्जी है गाइस आस पास, रज्जी रज्जी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे गेम गेम चल रहा है यहाँ पे, पता नहीं कोई हम भी कर लेते हैं यार एक बार। क्या करना होता है? ट्रिक और ट्रीट, एक बाल्टी ले आती हैं। हाँ गाइस हम लोग रात को एक बाल्टी लेकर आएंगे, हमारे पास डस्टबिन वाली बाल्टी पड़ी हुई है, उसको लेके आएंगे, उसमें टॉफी लेके जाएंगे। तो यार ये कुत्ते कितने प्यारे से हैं, छोटा सा देख कितना छोटा सा है, इसको एक लात मारूंगा छटक जाएगा, ये सीधा इंडिया जाएगा। और देख छोटे छोटे बच्चे, वो देख मेरे को लगा कुत्ता है करके, दिखाऊं ये देख मेरे को लगा ये कुत्ता है करके, मेरे को लगा ये कुत्ते से छोटा सा बच्चा था। ओह अबे ये क्या है? गाइस रज्जी आ गया बालों वाला सुअर। पिकाचू पिका पिका। गाइस हम अभी अभी आयरन मैन से मिले हैं। गाइस आयरन मैन ना टॉफी बांट रहा है बच्चों को, हमें नहीं बांट रहा। लेकिन बचपन अच्छा था यार कृष्णा, है ना? बच्चों को सब लोग टॉफी दे रहे हैं, हमें कोई कुछ नहीं दे रहा, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा है। सही बताऊं तो हम बस बगल से देख रहे हैं। गाइस देखो बच्चों को टॉफी दे रहे हैं अंदर से। गाइस बच्चों को टॉफी दी जा रही है यहाँ पे पीछे, हमें कोई कुछ नहीं दे रहा। हम यहाँ गमलों की साइड से निकल के जा रहे हैं पीछे, देखो यहाँ पे रास्ता भी नहीं दे रहा। हमें रास्ता भी नहीं दे रहा, कोई सही बात है यार, हमें कोई रास्ता ही दे दे वही बड़ी बात है। परेशान हो गए कृष्णा के ऑर्डर नहीं आ रहे, और यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी नहीं है। लोग इतने प्यारे बन के घूम रहे हैं कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। ये देखिए ये ग्रैनी थी, ये ग्रैनी। गाइस अब हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं अपनी, हमारे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस बच्चे और कुत्तों के अलावा कुछ नहीं है। कुत्तों की हमसे ज्यादा इज्जत है, कुत्तों को लोग ऐसे गले में लगा के घूम रहे हैं, मतलब अलग ही तरीका है, और हम यहाँ पे कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। गाइस मैं भी कुछ बना हुआ हूँ, गाइस मैं भी कुछ बन गया।
मैं भी कुछ मिलिट्री वाला हूं, मैं मिलिट्री वाला हूं। ये फौजी बना हुआ है और मैं बना हुआ हूं वो चोर। गाइज ये हेलोइन से कम मेरे को वो लग रहा है कि गाइज हेलोइन कम लग रहा है। और लड़की बन के घूम रहा है पीछे, लड़का लड़की बन के कपड़े पहन के, गाइज एक लौंडा लौंडिया बन के घूम रहा है। बताओ मतलब आज के दिन चलो ठीक है, फैंसी ड्रेस तक समझ में आ रहा था, अब तो असली लौंडे लड़कियां बन देखो जेंडर चेंज करके घूम रहे गाइज। ऐसा सा त्यौहार है ये हेलोइन कम कहते हैं, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ज़्यादा लग रहा है मेरे को। बिल्कुल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है जैसे वैसे। अब ये देखना ठीक है ना, ये देखो गाइज ये देखो ऐसे भी लोग हैं, वो देखो मोटा, लेकिन कहते हैं मेरे से मोटा नहीं है। गाइज हम लोग मास्क खरीदने जा रहे हैं, कृष्णा कह रहा है उसको मास्क चाहिए। अब देखते हैं कृष्णा को कौन सा मास्क पसंद आता है। गाइज कृष्णा को कुछ बनना है, मैं इसको बोल रहा हूँ तो ऑलरेडी चूतिया लग रहा है, तो अब तो क्या बनेगा और इससे ज्यादा। क्या खा रहा है तू बेटा? गाइज कृष्णा को बाल्टी मिली, चलो टॉफियां मिले फ्री में मिलेंगी। गाइज हम भी तो बच्चे हैं, मैं छोटा बच्चा नहीं लगता क्या? मैं दाढ़ी काट दूं, छोटा बच्चा रख दूंगा मैं क्या? ओवर एक्टिंग, 50 रुपये काट देना। गाइज हम बाहर आ गए, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ है ही नहीं। बिल्ली मौसी गाइज ये कितनी प्यारी लग रही है बच्ची। गाइज स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा मेरे को अब। गाइज हमने हार मान ली है, आज कोई काम नहीं होने वाला, ना मैं काम ढूंढ सकता हूँ ना ये काम कर सकता है, क्योंकि आज लोग बहुत चिल कर रहे हैं, तो सोचा हम भी थोड़ा चिल कर लेते हैं। लेकिन अब अभी कभी गरीब से बन के आए हैं, क्योंकि गरीब लोगों को काम जल्दी मिलता है, तो हम लोग और टिप जल्दी मिलती है। आज हम गरीब लोग में गरीब बन रहे हैं आज हम। हाँ पैसा बहुत है हमारे पास, तो उसके लिए हमें बनने की जरूरत नहीं है ब्रो, वो हम ऑलरेडी हैं। गरीब बनने के लिए क्या चाहिए होता है? फटे हुए कपड़े। मैं अगर इसको उतार दूंगा तो अंदर से मेरे फटी हुई इनर पहनी हुई। गाइस KFC की हवा निकल गई सारी, KFC पुश हो गया, अंदर एलियन है। और ये KFC की हवा निकली है, अरे छोटा सा टर्टल भी है, कितना क्यूट सा टर्टल है, क्यूट सा टर्टल। कुछ गिर गया पीछे। गाइस ये देखो आग बुझाने वाले लोग आ गए। गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि हम लोग आज क्या बने हुए हैं हेलोवीन में, जैसे सब लोग कुछ ना कुछ बने हैं। गाइस हम लोग आज हेलोवीन में गरीब बन के निकले हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गरीब हैं, और यही रोल हम बहुत अच्छे से कर सकते थे, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेवल गरीब बन के निकले हैं। देखो यही उसके पुरानी कमीज, वही मेरी मांगी हुई जैकेट। यार कुछ भी कहो यार, बच्चे बहुत क्यूट से बने हुए हैं, बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं सारे, प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ पे, ये देखो कितनी प्यारी। गाइस अगर आपको ऐसी लड़की मिलेगी तो शादी कर लोगे आप? बताओ, कमेंट करके बताना, ऐसी लड़की से शादी करोगे? गाइस ये देख लो, ऐसे ऐसे मतलब मस्त है, मजा आ रहा है, ठीक है ना। और ये पहन ले, कुछ किसी को कोई गिरा हुआ उठा ले। कुछ नहीं है हमारे पास, भिखारी है हम लोग, भिखारी नेक्स्ट लेवल भिखारी है। इससे बड़े ये है, मैं तो शक्ल से भी लगता हूँ साले, तू शक्ल से तो नहीं लगता है ना। हो गई मेरी बेइज्जती खुश, मेरी बेइज्जती के बाद खुश हो जाता है ना बहुत। गाइज देख सकते हैं, हाय हाय ये मजबूरियाँ, बैग टांग के चल रहे हैं हम दोनों। गाइज लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं टाइम टाइम पे, कह रहे कि हमने तुम्हारे व्लॉग्स देखे बहुत मज़ा आया, तो देख रहे हो फेमस रोड पार करनी क्या? नहीं हम मैं उधर 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 मैं सब देखाया हूँ, कुछ नहीं है पता है, इधर लाइन तो मैं सब देखा हूँ। वहाँ पे एक वो है, क्या है, मॉल है, मॉल जा क्या। गाइज मॉल पे जा रहे हैं हम जाएंगे मॉल। क्या मॉल? मॉल मतलब विशाल मेगा मार्ट होता है जैसे हल्द्वानी में। आप तो कभी गई नहीं होगी हमारे वहाँ पे, वॉकवे है ब्रो, तूने मतलब इससे अच्छा मॉल नहीं देखा होगा। लाइक हल्द्वानी का सबसे बेस्ट मॉल है वॉकवे मॉल, उसमें क्या है कि उसमें 90% दुकानें सारी बंद है, ठीक है। उसमें एक पिक्चर हॉल था वही बंद हो गया था, अभी नया खुला है, तो उसमें कुछ नहीं, बस पार्किंग है एक, तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं पार्किंग में। और जो उसके बाहर की रोड है वो भी टूटी फूटी रहती है हमेशा, अब शायद मैं यहाँ आ गया हूँ तो बन गई होगी। ब्रो मैं चंडीगढ़ भी रहा हूँ तो अलांटे मत बोल मेरे सामने, ठीक है ना। हम जाएंगे विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट इज द बेस्ट। गाइज मैंने कृष्णा को एक आइडिया दिया, कह रहा कि मेरा ऑर्डर नहीं आ रहा, मैंने कहा खुद ही ऑर्डर करके खुद ही पिक कर ले और खुद ही खा ले और खुद ही को टिप भी दे दे, कैश में टैक्स भी बच जाएगा और पैसा भी कमा लेगा। ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ जल्दी बताओ। गाइज दादी अम्मा अपने स्कूटर पर, तो दादी अम्मा अपने स्कूटर पर ऐसा जा रही है ना स्पीड में, देख लो हेलीकॉप्टर आ गया। कृष्णा बाय बाय कर, बाय बाय कर। गाइज कृष्णा को ऑर्डर मिल चुका है उबर इट्स के लिए, अब हम ऑर्डर पिकअप करने जा रहे हैं, देखते हैं कृष्णा को क्या मिला है। कृष्णा को ऑर्डर मिल गया, कृष्णा पिकअप कर रहे हैं, अब हम डिलीवरी करने जाएंगे। इसके बाद हम जा रहे हैं डिलीवरी करने। गाइस ये रहा ऑर्डर, अब देखते हैं आज हम लोग कितना पैसा कमा पाते हैं। बड़ी मुश्किल से तो एक ऑर्डर मिला है, पूरा दिन घूम लिया है, अब तो शाम होने लग गई है, मतलब रात होने वाली है, फिर हमें रात को हेलीकॉप्टर से जाना है। इस ऑर्डर के बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं गाइस, वो हम बता नहीं सकते इसमें, और डिलीवरी भी पैदल पैदल कर रहे हैं क्योंकि ना गाड़ी है ना साइकिल है ना कुछ है, यहीं जाना है। ट्रिपल एट, ट्रिपल एट, ट्रिपल एट। गाइस हम पहुँचने वाले हैं, चलो देखते हैं क्या बता कृष्णा को, खुश होकर टिप दे दे $300-400। रज्जी आ गया, रज्जी ने हक दिया यहाँ पे,
गाइस कृष्णा और मैं पहुंच गए हैं डिलीवरी करने। डिलीवरी डन गाइस, डिलीवरी हो चुकी है और हम जा रहे हैं वापस। अब चलो, कृष्णा ने अपना मास्क का खर्चा निकाल लिया है। गाइस आज हम डाउनटाउन आए हैं टमाटर लेने के लिए, कोई महंगा वाला महंगी वाली जगह आए हैं महंगा टमाटर लेने के लिए। अब देखते हैं हमें टमाटर कितने का मिलता है यहाँ पे। गाइस टमाटर बहुत महंगा था, तो हम लोग अंदर घुसते ही जितनी स्पीड में हम अंदर गए थे उतनी स्पीड में हम बाहर आ गए, क्योंकि हमारे बजट के बाहर है वो। टमाटर भी इतना महंगा यार, लाइक एक टमाटर इंडिया के हिसाब से कितने का मिलता है यहाँ पे पता? एक टमाटर गाइस अगर देखा जाए तो एक दाना टमाटर का यहाँ पे 60-70 रुपए का है, एक दाना टमाटर का, एक सिंगल पीस। हम जैसे गरीबों का कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, हमें ऐसे ही ऊबर ईट्स करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों कृष्णा? गाइस जो इसने आज डिलीवरी करके पैसा कमाया है ना, उससे खाली एक दाना टमाटर का आएगा, बस दो आ जाएंगे, दो देख रहे हो, मतलब इतनी मेहनत के बाद भी दो दाने टमाटर की खरीद पाएगा बंदा, ये तो हाल है यहाँ का। अगर यही पैसा इंडिया में खर्च करें तो अमीर, पैसा ही पैसा। कृष्णा आप क्या करना है? घर जाना, सोना है। गाइस भूख लग रही है, बाहर तो हम कुछ खा नहीं सकते क्योंकि बाहर महंगाई बहुत है, हम तो घर जाके खाना बनाएंगे, पहले सस्ती जगह से टमाटर खरीदेंगे फिर घर जाके खाना बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को कोई खाना बना बनाया मिल जाए, है ना? बाकी लोगों की तरह वीडियो तो सब बनाते हैं, बट हम लोग को तो कॉलेज जाना होता है, हम तो फ्री टाइम पे बना लेते हैं, जैसे हम कभी चल रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग मम्मी के हाथ के खाने का नसीब। सही बात है, हमें तो मम्मी के हाथ का खाना कहाँ नसीब होगा, पता नहीं कितने सालों बाद होगा। अब लोगों की तरह कहाँ, लोगों की लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है कि वीडियो बनाते हैं, खाना भी मिल जाता है, सब कुछ प्रिपेयर होता है, तो ईजी है, घूमने निकल गए वीडियो बना ली, घर जाके खाना मिल रहा है भाई बना बनाया। हमें तो अभी घर जाके खाना भी बनाना है, तो इसलिए तो हर समय का व्लॉग तो कर ही नहीं सकते हम लोग, क्यों कृष्णा? सही बात है कृष्णा, रो मत यार अब। कृष्णा तुम, कृष्णा को मम्मी की याद आ गई, कृष्णा रोने लग गया है। और देखो बीच रोड में व्लॉगिंग चल रही है यहाँ पे, यहाँ जल्दी चल साले गाड़ी आ रही है। गाइस मयंक आ गया, मयंक